नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौकरीखबर.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कोरोना वायरस की वजह से आई हुई CRPF BSF CISF के अंदर भर्ती 2020 के बारे में, जहां पर भर्तियों का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस भर्ती के लिए केवल 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। यहां पर मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए बड़ा मौका आ चुका है और आपको बता दें कि 1500 से भी अधिक पदों पर इस बार भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का सचमुच सपना है CISF BSF के अंदर सरकारी नौकरी करना, साल 2020 में डिफेंस गवर्नमेंट जॉब करने का सपना है, तो आप सभी लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक देखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए और ऐसी ही वीडियोस की अपडेट आगे भी देखने के लिए नौकरी खबर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों, इस भर्ती की अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर केवल जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज रखा गया है। बाकी अगर आप लोग SC ST या फिर PH या फिर महिला उम्मीदवार हैं तो आप सभी का कोई भी अप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। इस भर्ती के अंदर फिजिकल सबसे जरूरी होने वाला, बिकॉज यहाँ पे CRPF BSF CISF एक डिफेंस गवर्नमेंट जॉब है, तो इनके अंदर आपकी रनिंग होगी, चेस्ट देखा जाएगा और बाकी जो भी फिजिकल होते हैं जैसे कि जिग-जैग बैलेंस वगैरह, सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है। और यहाँ पे एक रिटर्न एग्जाम भी होगा, जिसके बारे में आगे हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके डिटेल में जानकारी देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से आज का इंडियन आर्मी डिफेंस करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूंगा, जिसका राइट आंसर देने पर आप सभी की जीमेल आईडी हमारे टीम के पास आ जाएगी और उसी जीमेल आईडी पर हमारी टीम इस वैकेंसी के बारे में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में सारी चीजें आपके जीमेल आईडी पे टाइम टू टाइम सेंड करती रहेगी। यहां पे आज का आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, नंबर 7, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में किस देश द्वारा पहली बार एंटी शिप मिसाइल विकसित की गई? यहां पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। फर्स्ट नंबर है जर्मनी, सेकंड नंबर है ब्रिटेन, थर्ड नंबर है इटली और फोर्थ नंबर है अमेरिका। तो आपको इनमें से एक राइट आंसर पिक करना है और आगे जो मैं प्लेस बताने वाला हूं, वहां पर आप सभी को कमेंट करना होगा। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दी गई है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं किया है, तो इसका लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्ट सरकारी नौकरी टाइप करेंगे, आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसके बाद आप सभी को काम करना है, आपकी कोई ना कोई जीमेल आईडी होगी, उससे पहले आप सभी को इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और जीमेल आईडी से आपको इस एप्लीकेशन के अंदर खुद को रजिस्टर करना है और लॉगिन करके इस एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग के साथ, एक अच्छा सा कमेंट यानी कि रिव्यू के साथ, अभी जो मैंने आप सभी से क्वेश्चन किया उसका राइट आंसर आपको इसी के कमेंट बॉक्स में देना है। बिकॉज जब आप लोग यहां पे राइट आंसर चूज करके पिक करेंगे और यहां पे कमेंट करेंगे तो आपकी जीमेल आईडी हमारी टीम के पास आ जाएगी और हमारी टीम टाइम टू टाइम आपकी जीमेल आईडी पर लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, डिफेंस गवर्नमेंट जॉब क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे अपडेट सेंड करती रहेगी। 100K+ ऑलरेडी यहां पे डाउनलोड कंप्लीट है और 4.5 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग करी है 6000 से ऊपर स्टूडेंट ने। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन चेकआउट करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप लोग यहां पे कमेंट करते हो वहां पे फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप लोग देख पाएंगे जून 18 2020 का बड़ा अपडेट है। SSC CPO SI रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए 1564 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। BSF CRPF CISF SSB की तरफ से यहां पे पूरी की पूरी वैकेंसीज है। बात करते हैं यहां पे आप लोगों को पूरी जानकारी कहां से मिलेगी, तो आप लोग mponline.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहां पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और उसी से रिलेटेड सारी जानकारियां मिल जाएंगी। यहां पे हम बात करते हैं टोटल नंबर वैकेंसीज की, तो यहां पे 1564 पदों पर भर्ती है। सब इंस्पेक्टर जीटी की आपको पोस्टें मिलने वाली हैं और यहां पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आप लोग यहां पे देख भी सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको शॉर्ट में BSF बोला जाता है, यहां पर 268 पदों पर वैकेंसीज हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि CISF के अंदर 22 पद हैं, पोस्टें हैं, और यहां पर आपको सबसे ज्यादा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि CRPF के अंदर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 1179 पदों पर। इसी के साथ यहां पे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि ITBP की तरफ से 47 पदों पर वैकेंसीज हैं और SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल की तरफ से टोटल आपको 18 पदों पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पे दिल्ली पुलिस में भी 100 यहाँ पे आपको 69 पदों पर वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। बात करते हैं डेट के बारे में, तो डेट यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो 17 जून 2020 है और इसकी आखिरी डेट 16 जुलाई 2020 रखी गई है। पेपर जो फर्स्ट है वो 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2020 तक होगा और पेपर सेकंड 1 मार्च 2021 में होने वाला है। बात करते हैं उम्र के बारे में, तो अधिकतम यहाँ पे आपकी जो उम्र है वो 30 साल मांगी गई है। बाकी आपको SSC के रूल के हिसाब से छूट भी मिलने वाला है। एप्लीकेशन फीस के बारे में पहले ही बता दिया, जनरल ओबीसी के लिए केवल और केवल 100 रुपीज और यहाँ पे SC ST PH और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए बिल्कुल फ्री है। जिनका भी एप्लीकेशन फीस लगेगा वो यहाँ पर जो है तो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस पेमेंट कर पाएंगे। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे क्लिक पे क्लिक करके आप लोग इन सारे के सारे डिफेंस गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूरी डिटेल पा सकते हैं। बाकी आप लोग कौन से राज्यों से आवेदन कर पाएंगे, तो ऑल इंडिया जॉब है, भारत के सभी राज्यों से यहाँ पे आवेदन किया जा सकेगा। आप लोग इनको चेकआउट करें। इसके बाद यहाँ पे नीचे जाने पर आपको सैलरी के बारे में पूरी डिटेल मिलेगी। सैलरी कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे 35,100 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ का आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है।
इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में ले चल के डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो आवेदन करने की आखिरी डेट है वो 16 जुलाई 2020 है। आवेदन करते समय फोटोग्राफ और सिग्नेचर बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। और यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है ऑनलाइन एग्जामिनेशन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसके बाद PET फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा और फाइनली आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है बिकॉज ये डिफेंस गवर्नमेंट जॉब है। अप्लाई करने का लिंक है, डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन का लिंक है, आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग में लग जाएगा। दोस्तों मेरा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं SSC की तरफ से वैकेंसीज है और इसके अंदर नोटिस के अंदर पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी आपको दी गई है। यहां पे सबसे पहले तो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17/6/2020 यानी कि 17 जून से लेकर 16/7/2020 16 जुलाई 2020 तक आप लोग अप्लाई करेंगे। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड यहां पे सेंट्रल आर्म्ड फोर्स एग्जामिनेशन 2020। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है तो पूरा का पूरा डिटेल बताया गया है, कब फीस पेमेंट होगा, कैसे आप लोग चलान करेंगे और आपका यहाँ पे पेपर फर्स्ट 29/9/2020 से लेकर 5/10/2020 और पेपर सेकंड 1/3/2021 को होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होगी, तो यहाँ पे 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक होने वाला है। मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पे बड़ा मौका होने वाला है ग्रुप सी के अंदर जॉब करने का। इसके बाद वैकेंसीज के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे वैकेंसीज हैं, आप लोग इनको कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे CRPF BSF ITBP CISF SSB की तरफ से भारी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो आप लोग इनको भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे जाने पर आपको बोला गया कि आपकी जो नेशनलिटी है इंडियन होनी चाहिए, नेपाल और भूटान यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट के बारे में पूरी जानकारी है, आपको कितना रिलैक्सेशन छूट मिलेगा उसके बारे में पूरी जानकारी है। और यहीं पे नीचे जाने पर आपको और भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बिकॉज यहाँ पे 39 पेजों का टोटल PDF आ चुका है। तो आप लोग डिटेल में यहाँ पे सारी की सारी जानकारी, स्टेट राज्य कहाँ से अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपका सिलेबस भी बताया गया। अगर आप लोग सिलेबस के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पे हाइट वगैरह फिजिकल की डिटेल ही मेडिकल की डिटेल है और बाकी सारी की सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। वीडियो को जितना लाइक करेंगे उतना जल्दी आप सभी को फिजिकल मेडिकल और सिलेबस के बारे में वीडियो मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।